बाकी नुमान भाई मैं अपने फार्म पे भी आपको इनवाइट करता हूं, मैं बाद में भी आपको प्रॉपर्ली करूंगा और मैं पिछले साल भी मैं क्रेज है मुझे जानवरों का खुद का। आपने इस तरह बताया कि बकरा ईद या रमजान, मैं थैंक यू करना चाहता हूं हमारे उन तमाम डोनर्स का जो हमें इस तरह सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को खिला पाते हैं। जैसे आज की अफ्तारी की अगर मैं, ये न्यू एंट्रीज हुई है माशाल्लाह भाई, क्यूट क्यूट सी, क्या बात है भाई, माशाल्लाह सात दुम्मे हैं भाई, ये चक्की वाले हैं सात के भाई। ओए होए कद भी कर रहा है भाई माशाल्लाह, और चेहरा देखें खूबसूरती माशाल्लाह बच्चे की। तो फार्म का मैंने कहा एक बेहतरीन सा आपको टूर तो दे रहे हैं छोटा सा, नूरी माशाल्लाह भाई सबकी भाई फेवरेट, हम भी इनको सपोर्ट करें। कुर्बानी का जानवर तो आपका पायनियर पे होता ही, हमें ये चीज़ पता ही है। तो इस दफा कब रिवील हो रहा है फैसल भाई? बस अब बकरीद पे इंशाल्लाह अभी देखिए इंशाल्लाह टाइम मिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे की मंडी में खुश आमदी दोस्तों। फार्म से भाई वीडियो स्टार्ट हो रही है और सीन ऐसा है कि अभी फार्म की अपडेट आपको देंगे। सात बड़ी क्यूट न्यू एंट्रीज हुई हैं भाई दुम्बों की माशाल्लाह, छोटे छोटे चक्की वाले दुम्बे, उनको दिखाएंगे और थोड़े से अपने माल दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमने जाना है भाई पाइनियर कैटल फार्म। सात भाई और फैसल भाई जो हैं उन्होंने भाई RRK फाउंडेशन पे एक इफ्तार रखा है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला पहुँचना है। वहाँ पर रोमांडरीज भाई भी होंगे इंशाल्लाह ताला, और भी क्रिकेटर्स होंगे, तो अभी मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या सीन है। तो वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वहीं पर रोज़ा खुलना है आज। और यह है कि बस यहाँ से फार्म की थोड़ी कवरेज करके वहाँ निकलते हैं आज। आपको दोनों पार्ट इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे इसी व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी तौर पर, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी यह है कि बड़ा मज़ेदार सीन होने वाले अभी फार्म पर इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बड़ी क्यूट न्यू एंट्रीज हुई हैं। और भाई एक गाय ने बच्चा दिया था इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द वो भी रिवील करेंगे, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ ईद का तोहफा आपके लिए लेकर आऊँ वो, या आफ्टर ईद लेकर आऊँ, ईद के चौथे पाँचवें दिन इंशाल्लाह ताला लाजमी तौर पर। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक करिए और कंटिन्यू करें। अच्छा भाई ये न्यू एंट्रीज हुई हैं माशाल्लाह भाई, क्यूट क्यूट सी, क्या बात है भाई माशाल्लाह। सात दुम्बे हैं भाई, ये चक्की वाले हैं सात के साथ, और माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत माशाल्लाह। तो भाई ये भाई हमारे भाई जो एक बड़े अच्छे दोस्त भाई, और उनके बड़े जानवर तो हमारे पास पली रहे हैं, तो उनको भाई एक शौक उठा, उनको जब भी शौक उठता है ना तो उनको ये होता है यार तादाद में जानवर ले लूँ। तो माशाल्लाह उन्होंने फिर एक दो का था इरादा, फिर उन्होंने करते कराते कराते अभी सात हो गए, अभी और भी उनका इरादा है इंशाल्लाह आगे दुम्बियों भी करने का। तो माशाल्लाह बड़े क्यूट से, ज़रा छोड़ो इनको माशाल्लाह, क्या बात है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी बेहतरीन भाई, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए देखिए सबकी माशाल्लाह छोटी छोटी अभी चक्कियाँ हैं, तो इंशाल्लाह अगले साल बड़ा भरपूर रेडी हो जाएंगे ये भी, तो आपका बड़े माल की तरफ लेके चलते हैं। बाकी भाई इधर खड़े में माशाल्लाह भाई शेरू साहब, क्या बात है भाई इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा ज़रा शेरू को दिखा देते हैं भाई, बड़े टाइम से सही से नहीं दिखाया माशाल्लाह, आज ये पोस्ट पे खड़ा था तो मैंने कहा इनको दिखाते हैं। बाकी भाई टीज़र का मैंने यार मैं कुछ भूल रहा हूँ, टीज़र का भाई बड़ा शुक्रिया भाई, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया टीज़र के लिए भाई, बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ भाई मैं आप लोगों का, क्योंकि भाई आप लोगों ने वाकईतन बेइंतहा जिसको बोलते हैं ना प्यार दिखाना, वो आपने उस टीज़र पर दिखाया है, और इसी तरह भाई दिखाते रहे। सिम्बा बड़ा प्यारा लगा उस टीज़र में भाई माशाल्लाह। और बाकी भाई हमारा भाई ये तकरीबन ऑलमोस्ट रिकवर पर है सुल्तान, कद माशाल्लाह आपके सामने, लेंथ कद हाइट उठान सारी चीज़ें माशाल्लाह, खोल के आपको इंशाल्लाह कल नहलाएंगे जानवर, तो उसके बाद दिखाएंगे। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी माशाल्लाह हमारा ये पांडा आ गया, क्या बात है भाई इसकी भी। और ये हमारा इस दफ़ा प्रेजेंट पांडा ये है, और ये हमारा फ्यूचर नायाब माशाल्लाह, जो नवाब हमने नाम रखा था इसका भाई, ये अगले साल हम उतारेंगे इंशाल्लाह, और इस पर भी बहुत अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, मेहनत करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। और ये चेक करें आप, ये तो माशाल्लाह फुल रेडी है भाई, बेहतरीन माशाल्लाह। तो बाकी भाई इधर आ जाएं तो हमारा गब्बर माशाल्लाह, गब्बर भाई ऐसा बछड़ा आप सब जानते हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए और जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का उतना कम है भाई माशाल्लाह हर लिहाज से। बाकी पठान माशाल्लाह, साकिब भाई की कुर्बानी का इस साल का माशाल्लाह बछड़ा भाई, हमने पूरा साल इसको रेडी किया, बड़ा अच्छा लगता है भाई हमारे फार्म से ही होके घर पर उतरे इंशाल्लाह ताला, बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। गुलाबी भी बड़ा प्यारा लगा टीज़र में माशाल्लाह, और फिर से भाई शुक्रिया आप लोगों का, बड़ा प्यार दिखाया आपने टीज़र को, जिससे नहीं देखा भाई जाके वो टीज़र देखे भाई, फार्म पर वो फार्म का टीज़र मैंने अपलोड कर दिया चैनल पर माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए हमारा भाई बंटी खड़ा हुआ है माशाल्लाह बिल्कुल आँखों के सामने माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई। ओए होए कद भी कर रहा है भाई माशाल्लाह, और चेहरा देखें खूबसूरती माशाल्लाह बच्चे की, क्या ही भाई बच्चे की बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा भाई खूबसूरत। इसी के साथ अगर आ जाए तो हमारा भाई एक और माशाल्लाह बच्चों में ही बड़ा फेमस बच्चा माशाल्लाह, और बड़ी उठान वाला बच्चा माशाल्लाह, रसगुल्ला खड़ा भाई माशाल्लाह, ये चेक करें आप माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी हमारे भाई फ्यूचर चैंप्स है माशाल्लाह। इधर आ जाए तो
इनका नाम अभी तक हमने फाइनल नहीं किया, लियो नाम है मेरे ख्याल में जो कर दिया था या पता नहीं रखा था। और इसके साथ हमारा एस बंदा है माशाल्लाह फिर शहजादा। तो बच्चों का कलेक्शन माशाल्लाह बेहतरीन हो चुका है, पीछे हमारी पांडी बछड़ी भी देख लिया इतना माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। एक और भाई भरमबाज बछड़ा भाई नस निकल गई है, ज़रा सही गढ़ने आ रहे हैं मैंने कहा, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा है भरमबाज फुल माशाल्लाह। हमारा बादल ओए हो 20 बछड़ा है भाई हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह। अगले साल का है भाई ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। जेरी जो है ना वो भी बड़ा लाजवाब माशाल्लाह, बाकी बच्चे भी जो हैं वो भी बड़े बेहतरीन जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन जेरी जो है माशाल्लाह वो भी बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा भाई हमारी ये नुकरी गाय भी जो है भाई ये भी प्रेगनेंट है माशाल्लाह, इसके लिए भी दुआ करिएगा। मेरे हाल में 6 महीने हो चुके हैं और 3 महीने रह गए, तो दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह को अच्छे की उम्मीद है। सिब्बी दाजली में आती है ये बछड़ी भी, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है। बाकी भाई इधर खड़ी हुई है हमारी ब्राह्मण बछड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह भाई। नूरी को मैंने कहा ज़रा भाई खोल के लाएँ यार, और थोड़ा सा ना जो है वो माशाल्लाह दिखाएं ज़रा, या इसको ज़रा इमदाद भाई भगाते हुए लेके जाओ, भगाते हुए लेकर आओ माशाल्लाह 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 भाई क्या बात है बेहतरीन भाई माशाल्लाह। नूरी माशाल्लाह भाई सबकी भाई फेवरेट बछड़ी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है भाई बेहतरीन माशाल्लाह बहुत आला भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। कद आपके सामने नूरी का माशाल्लाह भाई, और नूरी के भाई बेहतरीन माशाल्लाह। ये है कि अगले साल रेडी हो गई तो अगले साल कुर्बानी, वरना उससे अगले साल इंशाल्लाह जो भी होगा मामला देखेंगे। अगर अगले साल ये हुआ कि यार मजीद पोटेंशियल है तो रोक लेंगे एक और साल, वरना ये फिर अगले साल पर इंशाल्लाह ताला घर पर लेके जाएंगे, लेकिन जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से अपने ही घर पर। अच्छा दोस्तों फार्म का मैंने कहा एक बेहतरीन सा आपको टूर तो दे रहे हैं छोटा सा माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जानवर आपको दिखा दिए हैं। बाकी भाई बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह एनवायरनमेंट होता जा रहा है फार्म का, अल्लाह पाक इसी तरह भाई हंसता खेलता रख के बड़े को। और बता अब हम निकलते हैं भाई, आपको जैसे मैंने बताया कि RRK फाउंडेशन जो पहुँचना है इंशाल्लाह ताला, तो वहाँ पर चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा भाई इफ्तारी के जो है इंतजाम भाई यहाँ पर हो रहे हैं भाई, और आप देखें पूरा जो है भाई रश, ये रुमान भाई भाई एक काम करते आ रहे हैं RRK फाउंडेशन भाई, और माशाल्लाह बड़े दिल से करते हैं भाई, और कराची का भाई फ़खर है भाई सच्ची बात पूछे तो आप ये। और बाकी भाई आज की इफ्तारी भाई पाइनियर गटर फार्म की तरफ से भाई उमैद खड़े हैं, यहाँ पे फैसल भाई खड़े हुए हैं, अनवर भाई भी आए हुए हैं। अच्छा भाई फैसल भाई जो है भाई वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं भाई, और ये गाइड करते हुए। तो रोज़ा भाई खुल चुका है माशाल्लाह, वैरायटी जो है भाई दो दो के चावल और साथ में माशाल्लाह भाई, तो इफ्तार चल रहा है भाई इधर। और मैंने कहा ज़रा फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे इफ्तार के बाद इंशाल्लाह। वालेकुम रुमान भाई। वालेकुम सलाम रुमान भाई, आपकी हालत हम देख रहे हैं माशाल्लाह, इतने जज्बे से आप काम करते हैं पूरे साल ही, और स्पेशली इन बकरा ईद और रमज़ान आपका दोनों कुर्बानी के मामलात में भी, तो हम लोग देख रहे हैं आज भी जज्बा आपका। बाकी ये किस तरह से मैनेज होता है थोड़ा सा इसके हवाले से अगर हमें बता सकें। यार मैनेज तो देखें सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरह से वो मैनेज करती है अंदर, और जिस तरह से वसीम भाई माशाल्लाह अकेले दम पे मेहनत करते हैं, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मैं अपना डाल देता हूँ, तो इन लोगों का बहुत थैंक यू कि मुझे सपोर्ट करते, तो इस वजह से जज्बा बरकरार रहता है। नहीं माशाल्लाह। और सेकेंडली आपने इस तरह बताया कि बकरा ईद या रमज़ान, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे उन तमाम डोनर्स का जो हमें इस तरह सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को खिला पाते हैं। जैसे आज की इफ्तारी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे फैसल भाई जो कि पाइनियर कैटल फार्म के ओनर हैं, और अन्नू भाई माशाल्लाह, आमिर भाई जो कतर से आए हैं वो, और बैंकॉक में हमारे डोनर हैं बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, उन्होंने इस साल ऑलमोस्ट हमें कोई 10 अफ्तारी का इहतमाम करा के दिया। तो ऐसे डोनर्स अगर आपके साथ हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और अल्लाह ताला इनकी रोजी में बरकत डाले, इनके कारोबार में आफत बरकत डाले, और इनकी फैमिलियों पर रहमत रखे। आमीन आमीन। और आपको अल्लाह पाक सलामत रखे, आप कराची का पूरे पाकिस्तान का फख्र तो थे ही, अब कराची का मजीद फख्र है आप बिल्कुल, जिसको बोलते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में तो आपने माशाल्लाह हमारा नाम रोशन किया ही है, लेकिन ये है कि इस फील्ड में लोगों की खिदमत में माशाल्लाह जितना रश मैंने आज देखा है वीडियो में पता नहीं चलता, लेकिन जब यहाँ ऑन ग्राउंड आप ग्राउंड पे होते हो तो आपको आईडिया होता है कि एक शिफ्ट टूटी पे दूसरी शिफ्ट टूटी पे तीसरी शिफ्ट टूटी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल माशाल्लाह 4-5-6 शिफ्टें लगती हैं, और 200-200 लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़ा मजा आ रहा है। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर मतलब आपको मजा आएगा यहाँ पे, आप वैसे भी आप फैमिली भी आए तो मतलब एंजॉय करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह। जेंट्स का सारा आगे माशाल्लाह, और लेडीज पे स्पेशली 2 से 3 वॉलंटियर होते हैं जो इहतमाम ये करते हैं कि कोई बदमजगी ना हो, क्योंकि देखिए औरत जात है, मर्दों का हुजूम ज्यादा है इधर यहाँ पर, तो हम नहीं जाते हैं कोई बदमजगी हमारे दस्तक। बाकी नुमान भाई मैं अपने फार्म पे भी आपको इन्वाइट करता हूँ, मैं बाद में भी आपको प्रॉपर्ली करूंगा, और मैं पिछले साल भी मैं क्रेज है मुझे जानवरों का खुद का, और पाइनियर कैटल फार्म ने भी पिछले साल, और जब से हमने कुर्बानी पाइनियर के साथ
साथ ही हमारा भी स्टार्ट हुआ है फरवरी इंशाल्लाह ताला, आप जरूर आइएगा और हम लोग, मैं आपके पास बकरा ईद में इंशाल्लाह लाजमी आऊँगा इजाफा लाजमी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अनवर भाई, फैसल भाई कैसे हैं? ठीक हैं। पहले तो आप दुबई से आए हैं और मैं समझता हूँ आपका वैसे तो ईद भी मनाना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जहन में आपके मकसद होगा। बस ये मैं पिछले 2-4 साल से ऐसे ही हो रहा था कि हर दफ़ा माशाल्लाह इन लोगों को देख रहा होता था माशाल्लाह। और वहाँ बैठ के जो है ना थोड़ा वो हो रहा होता था कि मैं क्यों नहीं मौजूद। सही बात, तो अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा अल्लाह माशाल्लाह और लोगों के साथ। बाकी हमारे फ़खर भाई, हमारे फास्ट बॉलर अनवर भाई मौजूद हैं। अनवर भाई कोई नहीं भूला अब तक वो अंडर-19 वाला स्पेल, अंदर बाहर वो जो हो रही थी बॉल। तो बाकी अनवर भाई ये बताएं कि माशाल्लाह कुर्बानी में भी हम आगे आगे देखते हैं आपको और यहाँ भी माशाल्लाह आप मौजूद हैं, तो कैसा लगा पहले यहाँ आके? तो आपको नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा है अभी पहले इंटरव्यूज में कि आरआरके फाउंडेशन के साथ तो मैं हर साल होता हूँ रमज़ान में दस्तरखान पर, लेकिन जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं साल भर, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और इस साल और हर साल बल्कि फैसल भाई और पाइनियर कैटल फार्म मिल के आरआरके फाउंडेशन को सपोर्ट कर दिए हैं दस्तरखान में भी और बकरा ईद में भी। तो ये हम जितना रोमान रही इसकी तारीफ करें कम है, क्योंकि जिस तर्ह काम कर रहे हैं आरआरके फाउंडेशन और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम भी इनको सपोर्ट करें। बाकी टूर्नामेंट की बहुत बहुत मुबारक हो जब आप जीत के आए माशाल्लाह। बाकी उसके अलावा अनवर भाई ये बताएं कि कुर्बानी का जानवर तो आपका पाइनियर पे होता ही, हमें ये चीज़ पता ही है, तो इस दफ़ा कब रिवील हो रहा है फैसल भाई? बस अब अभी देखिए इंशाल्लाह टाइम मिलता नहीं है, लेकिन अभी चक्कर लगाएंगे ईद के बाद। लास्ट टाइम भी इसी चैनल से रिवील हुआ था, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसी चैनल। और भी आपको चीज़ में बताऊँ, आरआरके AK-48 और पाइनियर जी ये बेसिकली एक ही फैमिली है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है माशाल्लाह से, हमारा साथ इसी तरह साथ। आमीन, बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। फार्म का था फिर यहाँ का था, मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पर्सनली आके। वीडियो में इतना रश पता नहीं चलता, लेकिन बहुत रश है माशाल्लाह और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक की इसी तरह बरकत डालते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।